दिल्ली में लीकर कौभांड ने लईने विवाद छे ते खत्म थवानुं नाम नथी लई रह्यो। आ मुद्दा ने लईने मनीष सिसोदिया ने सीबीआईए समन पाठव्युं छे अने आजे मनीष सिसोदिया ने जे ट्वीट कर्या छे ते सीधी असर तेनी गुजरात पर पड़ी रही छे। न मात्र मनीष सिसोदिया परंतु आम आदमी पार्टी ना केटलाय नेताओं द्वारा एवा ट्वीट कर्या छे जेनु कनेक्शन सीधू गुजरात साथे छे। शुं छे समग्र विगते जाणी आ वीडियो मा। नमस्कार, हुं नीलम खारेचा, आप जोई रह्या छो गुजरात तक। दिल्ली लीकर कौभांड ने लईने सीबीआईए तेना डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने समन जाहिर करी पूछपरछ माटे बोलाव्या छे। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ દાવો કર્યો છે કે સીબીઆઈએ સિસોદિયાની ધરપકડ કરવા માટે બોલાવ્યા છે। મનીષ સિસોદિયા સીબીઆઈ ઓફિસ પહોંચતા પહેલા આમ આદમી પાર્ટીની ઓફિસ પહોંચ્યા હતા, રાજઘાટ પહોંચ્યા હતા અને એક વિશાળ રોડ શો કરી શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું હતું। સાથે સાથે મનીષ સિસોદિયાએ ટ્વીટ પણ કર્યું અને કહ્યું કે મારા વિરુદ્ધ પૂરી રીતે નકલી કેસ બનાવી તેમની તૈયારી મારી ધરપકડ કરાવવાની છે। મને ચૂંટણી પ્રચાર માટે ગુજરાત જવાનું હતું। આ લોકો ગુજરાત પૂરી રીતે હારી રહ્યા છે, તેનો ઉદ્દેશ મને ગુજરાત પ્રચારમાં જતા રોકવાનો છે, પરંતુ મારા જેલ જવાથી ગુજરાતનો પ્રચાર રોકાશે નહીં। સારી સ્કૂલ, હોસ્પિટલ, નોકરી, વીજળી માટે ગુજરાતનો દરેક બાળક હવે ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યો છે। ગુજરાતની ચૂંટણી એક આંદોલન હશે। આ સાથે જ મનીષ સિસોદિયાએ શું કહ્યું છે તે પણ સાંભળો। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला, मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है, ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात ना जा सकूँ। गुजरात में भारतीय जनता के लिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में मैं पिछले दिनों जब जब गया हूँ, मैंने वहाँ के स्कूलों की हालत ख़राब देखी है, मैंने वहाँ अस्पतालों की हालत ख़राब देखी है, मैंने नौजवानों को नौकरी के लिए बिलखते हुए देखा है, मैंने वहाँ लोगों की बहुत बुरी हालत देखी है गुजरात में। और आज गुजरात में लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। आज लोगों को हमने जाके कहा है गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपके भी स्कूल दिल्ली के स्कूलों की तरह अच्छे होंगे, आपके भी अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की तरह अच्छे होंगे, आपके यहाँ भी बिजली के बिल जीरो आएंगे, आपके यहाँ भी ईमानदारी से नौकरियाँ लगेंगी और लगेंगी। तो ये आज हमने गुजरात में कहा है और गुजरात के लोगों को इस पर भरोसा है, इसीलिए बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ ना कुछ निकला ना कुछ निकलेगा, और अब मुझे जेल में भी डाल देंगे तब भी आज गुजरात का बच्चा बच्चा चुनाव लड़ रहा है, आज गुजरात का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस बार गुजरात का चुनाव गुजरात के लोग एक आंदोलन की तरह, शिक्षा के आंदोलन, स्वास्थ्य के आंदोलन, बिजली के आंदोलन की तरह लड़ रहे हैं। मुझे जेल में डालने से ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार को बचाने। અરવિંદ કેજરીવાલે પણ ટ્વીટ કરી લખ્યું કે મનીષના ઘરમાં કંઈ નથી મળ્યું, બેંક લોકરમાં કંઈ ન મળ્યું, તેના પર કેસ બિલકુલ નકલી છે, તેને ચૂંટણી પ્રચાર માટે ગુજરાત જવાનું હતું, તેને રોકવા માટે તેની ધરપકડ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ચૂંટણી પ્રચાર રોકાશે નહીં, ગુજરાતનો દરેક વ્યક્તિ આજે આપ માટે પ્રચાર કરી રહ્યો છે। આ તરફ સંબિત પાત્રાએ પણ ભાજપ તરફથી જવાબ આપ્યો છે, તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આમ આદમી પાર્ટી પર નિશાન સાધ્યું છે। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी, इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी।
और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्ने भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए, तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दो मत नहीं है, अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर एक पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, यह आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्ने भ्रष्टाचार है। गुजरात में चूंटणी छे अने ते पहला आम आदमी पार्टी अने भाजप वच्चे खराखरी नो जंग जाम्यो छे। बन्ने पक्ष आमने सामने छे, आरोप प्रति आरोप लगावी रह्या छे, अने आ बधानी वच्चे सिसोदियाना सीबीआई ए आपेला समननो मुद्दो हवे गुजरातना राजकारणमां चर्चानुं केन्द्र बन्यो छे। जो आपने मारो आ वीडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक अने शेर करवानुं भूलता नहीं। साथे ज तमाम राजकीय खबर माटे जोता रहो गुजरात तक।